So this is going to be the sixth lecture of reaction intermediates, and in this lecture we are going to discuss about another type of reaction intermediate, that is the benzyne, और जिन्हें हम simply arenes भी कहते हैं. अब ये benzynes या arenes जो होते हैं, these are basically the derivatives of 1,2-di-dihydrobenzene. यानी कि 1,2-di-dihydrobenzene के जितने भी derivatives हमारे पास होते हैं, इन्हें हम benzynes या arenes कहते हैं. और इनमें से जो simplest derivative जो होता है, that is the benzyne. और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. अब द थिंग इज कि इन बेंजाइन्स को हम फॉर्म कैसे करते हैं. अब जब भी एक बेंजीन रिंग में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बेंजीन रिंग, अब जब भी एक बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम रिमूव करेंगे, यानी कि किसी भी बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल जो कि ऑर्थो पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे, इनको जब भी हम रिमूव करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं. अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रह जाते हैं, ये दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. इसके पास ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके अलावा एक और पाई बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा. सो दीज आर, दिस इज हाउ दीज बेंजाइन्स आर फॉर्म्ड. अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे तीन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब ये तीन बॉन्ड जो है, ये एल्काइन्स के जैसे बॉन्ड्स नहीं होते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये एल्काइन का जैसा ही एक बॉन्ड होगा, बल्कि एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता. अब इसमें जो एक पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड एक नॉर्मल पाई बॉन्ड होता है, यानी दिस पाई बॉन्ड इज द नॉर्मल पाई बॉन्ड. और एक और पाई बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जो कि फॉर्म हुआ था जब हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऑर्थो पोजिशन पे रिमूव किया था, अब ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस पाई बॉन्ड को हम एबनॉर्मल पाई बॉन्ड यहाँ पे कहते हैं. और ये एबनॉर्मल पाई बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इसकी वजह से यहाँ पे ये एबनॉर्मल पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, और समटाइम्स हम इसे एक्सटर्नल पाई बॉन्ड भी यहाँ पे कहते हैं. और ये जो यहाँ पे एक्सटर्नल पाई बॉन्ड या एबनॉर्मल पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जो हो रही है, ये ओवरलैपिंग लेटरल ओवरलैपिंग कहलाई जाती है. दिस इज द लेटरल ओवरलैपिंग, और इस लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से ही यहाँ पे ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है. और अगर हम इन बेंजाइन्स की बात करें, तो बेंजाइन जो है ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इनका होता है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इनका होगा, जिसमें यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स होंगे, एक एक्सटर्नल पाई बॉन्ड होगा या एक एबनॉर्मल पाई बॉन्ड होगा, और एक यहाँ पे नॉर्मल पाई बॉन्ड होगा. अब यहाँ पे जो नॉर्मल या एक्सटर्नल पाई बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से, ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड काफी ज्यादा वीक पाई बॉन्ड होता है, और इसके वीक नेचर की वजह से यहाँ पे ये अनस्टेबल पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जल्दी ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये बेंजाइन मॉलिक्यूल्स जो है ये एक अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं. और अगर हम इस लेटरल ओवरलैपिंग जो यहाँ पे हो रही थी, अगर हम इस लेटरल ओवरलैपिंग में बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 से लेके 180 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है. एंड ये बॉन्ड एंगल जो है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल बॉन्ड एंगल होता है, और वी कैन से इस बॉन्ड एंगल की वजह से यहाँ पे स्ट्रेन जो है, यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है. अब यहाँ पे अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, तो देयरफॉर इसका जो नेचर होगा वो रिएक्टिव नेचर होगा. यानी बिकॉज ऑफ दिस लेटरल ओवरलैपिंग, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल जो अनयूजुअल और वी कैन से कि डिफॉर्मड बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल पे काफी ज्यादा स्ट्रेन बढ़ जाती है, एंड जिसकी वजह से ये बेंजाइन मॉलिक्यूल जो है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज बन जाती है. अब ये बेंजाइन हमारे पास जो है, इस बेंजाइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे दो एडिशनल
यहाँ पे दो एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो पाई एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले यहाँ पे जो दो एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कभी भी इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, यानी कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ये कभी भी इंटरैक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि वी नो कि बेंजीन जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इस एरोमेटिक कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो दो एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये दो पाई एडिशनल पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बेंजीन के साथ, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं कराई सॉरी ये कभी भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब अगर ये यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो बेंजीन की है वो कम होगी, और वी कैन से कि इट विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी। एंड वी नो कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स माने जाते हैं, तो इनके इनके ओवरलैप ना करने की, और वी कैन से कि इनके इंटरैक्ट ना करने की वजह यही होती है कि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी जो है वो बरकरार रहे। सो दिस वॉज अबाउट द बेंजीन, सॉरी दिस वॉज अबाउट द बेंजाइन। नाउ अगर हम इनके कुछ रिएक्शंस की बात करें, तो जब भी एक बेंजीन को अगर हम यहां पे ले, एक बेंजीन को जब भी हम सोडामाइड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यानी बेंजीन को जब भी एक सोडामाइड के साथ हम ट्रीट करेंगे, यानी कि यहां पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम करेंगे, तो यहां पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो एक बेंजाइन यहां पे फॉर्म होगा, और यहां पे एरीन्स की यहां पे फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन मॉलिक्यूल है, तो यहां पे अगर हम इस बेंजाइन मॉलिक्यूल के डाइपोलर स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो यहां पे दो डाइपोलर स्ट्रक्चर्स इसमें पॉसिबल होते हैं। अब ये पहला डाइपोलर स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, और जो दूसरा डाइपोलर स्ट्रक्चर यहां पे एग्जिस्ट करेगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रांसफर होंगे, और जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिच साइड बनेगी और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड बनेगी। सो देयरफॉर जब भी एक NH2 मॉलिक्यूल यहां पे रिएक्ट करेगा, यानी कि यहां पे जब भी NH2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, तो यहां पे हमें दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पे मिल सकते हैं, यानी कि यहां पे ऑर्थो एनिलीन भी यहां पे मिल सकता है, एज वेल एज यहां पे एक मेटा एनिलीन भी यहां पे मिल सकता है, मेटा एनिलीन एंड दिस विल बी द ऑर्थो एनिलीन, यानी कि यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं इस केस में पॉसिबल होते हैं। और सिमिलरली अगर एक क्लोरोबेंजीन को यहां पे ले, एक क्लोरोबेंजीन अगर हम यहां पे लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को जब भी हम सोडामाइड के साथ यहां पे ट्रीट करेंगे, तो यहां पे ये NH2 जो है ये यहां पे भी ऐड हो सकता है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे भी NH2 यहां पे ऐड होगा, एंड सिमिलरली मेटा पोजीशन पे भी ये NH2 यहां पे ऐड हो सकता है, यानी कि यहां पे ऑर्थो प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है एज वेल एज मेटा प्रोडक्ट भी यहां पे फॉर्म हो सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है दैट इज द बेंजाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेंजाइन्स।